So now today we are going to cover the medieval part in Indian history. In medieval part we are going to cover the struggle for dominance. Struggle for dominance means tripartite struggle. ट्रीपेटाइट स्ट्रगल किस किस के बीच में हुआ? पालास के बीच में, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में. पालास जो ईस्ट में थे, प्रतिहारास जो नॉर्थ में थे, राष्ट्रकूटास जो डेक्कन्स में थे. देर वॉज अ कॉमन स्ट्रगल बिटवीन दीज किंगडम ओवर द कंट्रोल ऑफ गन्नौज विच एनेबल देम टू कंट्रोल द फर्टाइल अंडर गैंगेटिक नेम. अब ये क्या थे, एक इनके बीच में एक स्ट्रगल चल रहा था, एक संघर्ष कर रहे थे ये कन्नौज को अपना, कन्नौज के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए. क्यों अधिपत्य जमाना चाहते थे? क्योंकि यही एरिया बहुत उपजाऊ था और ये गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा गैंगेटिक प्लेन है, जैसे यूपी, बिहार और बंगाल का जो एरिया है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए. कन्नौज वॉज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी. कन्नौज क्या था? एक सिंबल था सॉवरेनिटी का, क्योंकि यहीं से सारी पावर हमें कन्नौज से ही ड्राइव होती थी. सिंस हर्षा के टाइम से ही कन्नौज एक जहाँ से हमें पावर ड्राइव होती थी, और हर्षा के काल में ये कन्नौज इनका कैपिटल भी रहा है. ए पोजिशन विच दिल्ली एक्वायर्ड लेटर. यही जो कन्नौज के पास पावर थी वो बाद में जाके दिल्ली को एक्वायर होगी, वही जाके दिल्ली को वो पावर मिली. ओरिजिन ऑफ द पाला एम्पायर. अब ओरिजिन कैसे हुआ पाला एम्पायर का? गोपाला फाउंडेड द डायनेस्टी इन 750 AD. गोपाला ने फाउंड किया डायनेस्टी को 750 AD में. ही वॉज ए चीफटेन और मिलिट्री जनरल. वो क्या थे? एक चीफटेन थे और मिलिट्री जनरल थे उस टाइम में. हु वॉज इलेक्टेड एज किंग बाय नोटेबल मैन ऑफ द एरिया टू प्रिवेंट एनार्की. अब वहाँ के लोगों ने एकत्र होकर एक डेमोक्रेसी की तरह गोपाला को इलेक्ट किया था, उनको चुना था, क्योंकि वो अराजकता नहीं लेके आना चाहते थे. नाउ द पालास 750 से 150 AD तक. गोपाला वॉज द फर्स्ट पाला किंग एंड फाउंडर ऑफ डायनेस्टी. गोपाला क्या थे? वो फर्स्ट पाला किंग थे और फाउंडर थे गोपाला डायनेस्टी के, पाला डायनेस्टी के. ही बिल्ट द मोनेस्ट्री एट उदंतापुरी बिहार. तो उन्होंने क्या बनाई? मोनेस्ट्रीज बनाई उदंतापुरी बिहार में. कंसिडर द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल. अब गोपाला को ही फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग बोला जाता था बंगाल का. नाउ कम धर्मपाला. उसके बाद आए गोपाला के बाद धर्मपाला. वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ गोपाला. ये उनके बेटे थे और उनके सक्सेसर भी रहे गोपाला के. ही रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी. इन्होंने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया. नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्ता ने बनवाया. महमूद खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया, और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किसने किया? धर्मपाला ने. फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट भागलपुर बिहार. और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर बिहार में है उसको भी फाउंड किया. ये क्वेश्चन SSC पूछती है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया है. नाउ कम देवपाला. वॉज द सन ऑफ धर्मपाला. ये क्या थे? बेटे थे धर्मपाला के एंड राणा देवी के. ए राष्ट्रकूटा प्रिंसेस, जो एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस थी. एक्सटेंडेड द किंगडम टू वर्ड द प्रज्योतिषपुर. इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सटेंड किया प्रज्योतिषपुर को, जिसको आज के टाइम में असम के नाम से जाना जाता है, एंड पार्ट ऑफ ओरिसा, और ओरिसा के पार्ट में जिसको कलिंगा बोला जाता है. नाउ कम मदनपाला. उसके बाद आए मदनपाला. वॉज द लास्ट पाला किंग. ये लास्ट पाला किंग रहे हैं. आफ्टर हिम द सेना डायनेस्टी रिप्लेस द पाला. उसके बाद जो सेना डायनेस्टी थी उसने पाला डायनेस्टी को रिप्लेस कर लिया. नाउ कम प्रतिहारास. अब प्रतिहारास जो थे, द प्रतिहारास वर ऑल्सो कॉल्ड द गुजरर प्रतिहारास, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात ऑफ साउथ वेस्ट. अब जो प्रतिहारास थे उनको गुजर प्रतिहारास के नाम से प्रोबेबली जाना जाता था, बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात ऑफ साउथ वेस्ट, क्योंकि गुजरात और साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट हुए थे. और प्रतिहारास जो थे वो पेस्टोरल थे, और दे फाइट लाइक जाट्स. जो जाट्स होते हैं वो उनकी तरह लड़ते थे, और वो चरगाहे भी थे एक तरह से. प्रतिहारास एक फोर्टिफिकेशन. अब प्रतिहारास को एक फोर्टिफिकेशन बोला गया है. जैसे सियाचिन में जो ग्लेशियर है वो इनफिल्ट्रेशन से बचाता हमें, चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो सियाचिन एक फोर्टिफिकेशन है हमारे लिए. सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसी तरह प्रतिहारास क्या थे? हमारे लिए एक फोर्टिफिकेशन है. द प्रतिहारास स्टूड एज ए फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया, डिफेंस अगेंस्ट द होस्टिलिटी ऑफ द मुस्लिम फ्रॉम द डेज ऑफ जुनैद ऑफ द सिंध टू द महमूद ऑफ गजनी. तो ये प्रतिहारास क्या है? फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया के, जो डिफेंस है अगेंस्ट द होस्टिलिटी, जो हमारी होस्टिलिटी रही है मुस्लिम के अगेंस्ट, फ्रॉम द डेज ऑफ जुनैद ऑफ द सिंध, जो जुनैद है सिंध के, टू द महमूद ऑफ गजनी, जो महमूद है गजनी के, उनसे बचाव के लिए, और जुनैद है जो सिंध के, उनसे बचाव के लिए. ये हमारी होस्टिलिटी रही है हमारी इनके साथ, और ये हमारे लिए एक डिफेंस थे प्रतिहारास, क्योंकि इन्होंने इनके हर एक प्रयास को रोका है. दे डोमिनेटेड वेस्टर्न एंड अपर गैंगेटिक प्लेन. तो इन्होंने कहाँ राज किया है? इन्होंने गैंगेटिक वैली है उसके ऊपर राज किया है. नाउ कम नागभट्टा.
वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रतिहाराज डायनेस्टी. ये क्या थे? फाउंडर्स थे प्रतिहारा डायनेस्टी के विद कन्नौज एट इज कैपिटल. और इनकी कन्नौज क्या थी? कैपिटल्स थी. द रियल फाउंडर एंड मेजर रूलर वॉज मिहिर भोज. अब आपने मिहिर भोज का नाम तो सुना होगा, मोस्ट पॉपुलर किंग है ये. द रियल फाउंडर थे ये प्रतिहाराज के और मेजर रूलर भी रहे हैं विद द टाइटल आदिवरा. अब इनको टाइटल दिया गया आदिवरा का क्योंकि ये डिवोटी थे विष्णु के, ये विष्णु के भक्त थे. अब जो नेक्स्ट है ये है अल मसूदी. ये एक ट्रैवलर हैं, बगदाद से आए थे ये ट्रैवलर. विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राष्ट्र प्रतिहारास. तो इन्होंने प्रतिहारास के काल में इंडिया को विजिट किया था. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बगदाद का कौन सा ट्रैवलर ने विजिट किया था प्रतिहारास के काल में, तो वो थे अल मसूदी. राजशेखर एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे एंड ड्रामेटिस्ट थे. लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ महिपाला सन ऑफ मीर भोज. अब ये क्या थे? एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे, एक कवि थे संस्कृत के और ड्रामेटिस्ट भी थे, मतलब ड्रामा सोसाइटी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराते थे. एट द कोर्ट ऑफ महिपाला, महिपाला के कोर्ट में ये मीर भोज के सन थे. राज्यपाला वॉज द लास्ट प्रतिहारा किंग. अब राज्यपाला क्या रहे हैं? ये लास्ट प्रतिहारा किंग रहे हैं. वास्ट एम्पायर वॉज रिड्यूस टू कन्नौज. और जो वास्ट एम्पायर थी वो रिड्यूस हो गई, इनकी कन्नौज तक रिड्यूस हो गई. इनकी काफी वास्ट एम्पायर थी, बहुत फैली हुई एम्पायर थी. द प्रतिहाराज पावर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर महमूद ऑफ गजनी अटैक द किंगडम इन 1018. अब जो प्रतिहाराज पावर थी वो डिक्लाइन होगी आफ्टर महमूद ऑफ गजनी. जो महमूद ऑफ गजनी है उन्होंने अटैक किया प्रतिहाराज पर, उसके बाद इनकी पावर डिक्लाइन होनी स्टार्ट होगी, इनका पतन होना स्टार्ट हो गया. नाउ कम राष्ट्रकूटास. दे डोमिनेटेड डेक्कन एंड सर्टेन टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. इन्होंने क्या किया? डोमिनेट किया डेक्कन और सर्टेन टेरिटरीज पे नॉर्थ और साउथ इंडिया में. किंगडम वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग. इन्होंने कौन सी किंगडम को फाउंड किया? दंती दुर्ग को. दंती दुर्ग विद द कैपिटल एट मलखेद एंड माल्यखेद. अब दंती दुर्ग ने कैपिटल बनाई अपनी मलखेद और माल्यखेद में. अब ये मलखेद कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है ये राज्य. द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वर गोविंदा. अब इनके ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर कौन थे? गोविंदा थे एंड अमोघ वर्षा थे. अमोघ वर्षा मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है राष्ट्रकूटा रूलर डायनेस्टी के. अमोघ वर्षा वॉज क्रेडिटेड विद द राइटिंग कवि राजमार्गा. अब ये इंपॉर्टेंट है कि अमोघ वर्षा ने क्या कौन सा हस्तलेख लिख रखा है? उन्होंने कवि मार्ग को लिख रखा है. द अर्लीस्ट पोएटिक बुक इन कन्नड़. तो इन्होंने ये बुक कन्नड़ में लिख रखी है. ही ऑल्सो बिल्ट द कैपिटल सिटी मान्यखेत. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को क्या बनाया? मान्यखेत बनाया. कृष्णा आए उसके बाद. वॉज द लास्ट ब्रिलियंट रूलर हु डिफीटेड चोला किंग प्रणताका. तो ये लास्ट ब्रिलियंट किंग थे, बहुत ज्ञानी किंग थे ये. इन्होंने डिफीट किया प्रणताका को. देवर इन द कॉन्स्टेंट कंटेंस विद द पलवास चोलास एंड द चालुक्यास इन द साउथ. अब इनकी क्या रही? ये हमेशा लड़ाई करते रहते थे पलवास के साथ, चोलास के साथ, चालुक्यास के साथ साउथ में. राष्ट्रकूटास की इनसे कभी नहीं बनी. देवर इन कॉन्स्टेंट, यही है, देवर इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेस्ट विद द पालवास चोलास एंड द चालुक्यास इन द साउथ. राष्ट्रकूटास पेट्रोनाइज नॉट ओनली सेविज्म एंड वैष्णविज्म बट जैनिज्म एज वेल. अब राष्ट्रकूटास ने क्या दिया? उनको संरक्षण दिया शिव भगवान के भक्तों को, विष्णु भगवान के भक्तों को, और जैनिज्म को भी उन्होंने संरक्षण दिया. उसके बाद आए कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द रॉक कट टेम्पल एट शिवा एट एलोरा. इन्होंने क्या बनाया? रॉक कट टेम्पल बनाया एलोरा में, जो जिसमें एक शिव भगवान का टेम्पल है. तो इन्होंने रॉक कट टेम्पल को कैसे बनाया? इन्होंने एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम एक पहाड़ी को काट कर इन्होंने शिव भगवान का एक मंदिर बनवाया. दे हैड ए टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी विच फेवर्ड देयर फॉरेन ट्रेड. अब इन्होंने क्या किया? इनकी टॉलरेंट, ये सहानुभूति रखते थे बुद्धिज्म के लिए भी, जैनिज्म के लिए भी और हिंदुज्म के लिए. इसी के कारण इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत फली फूली. द किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज पोजिशन बिकम हेरिडिटरी. जो किंग थे वो प्रशासन के सेंटर थे और जो उनकी पोजिशन थी वो हेरिडिटरी थी, मतलब पहले वो बनेंगे, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका पड़पोता बनेगा. डेट इज द हेरिडिटरी सिस्टम. नाउ रॉयल हाउसहोल्ड, जो रॉयल हाउसहोल्ड था इनके काल में वो था अनंतपुर. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन पालाज एंड प्रतिहारा. अब जो प्रशासनिक जो रही है इनके काल में वो चीजें क्या क्या है? पालाज और प्रतिहारास में भुक्ति है उसको प्रोविंस अंडर उपारी का. तो भुक्ति को क्या बोला जाता था? प्रांत के नाम से जाना जाता था. प्रांत को भुक्ति के नाम से जाना जाता था पालास और प्रतिहारास काल में. ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोला जाता था समानतास, समानतास के नाम से जाना जाता था. पटाला को बोला जाता था स्मॉलर यूनिट. कोई भी एक छोटी इकाई होती है किसी भी राज्य की, उसको बोला जाता है पटाला, पालास और प्रतिहारास के काल में. नाउ
एडमिनिस्ट्रेशन इन राष्ट्रकूटास, अब जो प्रशासन था राष्ट्रकूटास का, उसमें इन छोटी छोटी इकाइयों को किसके नाम से जाना जाता था? राष्ट्र को बोला जाता था प्रोविंस, प्रांत के नाम से। विषया को बोला जाता था डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील जो होती है, जिला होता है, उसके नाम से विषया को बोला जाता था। भुक्ति को बोला जाता था स्मॉलर यूनिट, एक छोटी इकाई। ग्रामा को बोला जाता है विलेज लीडर, एक विलेज का जो लीडर होता है, नेता होता है, उसको बोला जाता है ग्रामा। कोटवाल को बोला जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को देखना और उसको मेंटेन करना, डेट इज कॉल्ड कोतवाल। नाड को बोला जाता था हेरिडिटरी रिवेन्यू ऑफिसर इन डेक्कन, जो हेरिडिटरी रिवेन्यू ऑफिसर होते थे, जो कर कर को एकत्रित करते थे जो ऑफिसर्स, उनको उनको बोला जाता था नाड। हेरिडिटरी होते थे ये, कि पहले उनका बेटा बनेगा, पहले वो बनेंगे, फिर उनका बेटा, फिर उनका पड़पोता बनेगा, डेट इज द हेरिडिटरी सिस्टम।